असलमकम एवरी वन आई एम बैक विद अनदर रेसिपी आप लोगों ने चिकन बर्गर बहुत खाए होंगे बाहर से खाए होंगे रेस्टोरेंट से खाए होंगे या स्ट्रीट फूड से लेकर खाए होंगे मगर अपने हाथों से जो हम चिकन पेटी या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है तो चले आए हम बनाएंगे आज चिकन पेटी बर्गर तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है तकरीबन वन के जी अच्छा मैं हाफ़ हाफ करके सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ मैंने पहले थोड़े से चिकन डाली है तो उसके हिसाब से डाल रही हूँ मगर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पूरे बताऊँगी अब यहाँ पे हम लेंगे दरमिया एक प्याज और यहाँ पे हम ले लेंगे तीन हरी मिर्चें बड़ी मिर्चें और उसके साथ हम तीन लहसुन के जवे लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर डाल देंगे सारे स्पाइस नमक आप डालेंगे अपने मुताबिक या वन टी आप नमक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे वन टी और यहाँ पे ब्लैक और वाइट पेपर पाउडर हम डाल देंगे वन वन टी साथ में हम यहाँ पे डालेंगे लेमन जूस हाफ़ लेमन जूस डालेंगे और हम यहाँ पे डालेंगे ब्रेड क्रम्स और वाइट फ्लोर मतलब मैदे का आटा दोनों वन वन टी स्पून ये हम इसलिए डालेंगे ताकि जब चिकन का कीमा हम बनाएं तो उसकी पेटी जो आराम से बन जाए टूटे ना और साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया था ऑयल वन टेबल स्पून यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल डाला और इसका हमने कीमा बना लिया और अगर आपको फिर भी कीमा थोड़ा नरम लगे तो आप थोड़ा और भी ब्रेड क्रम उसमें डालकर इसे मिक्स कर सकते हैं ब्रेड क्रम और फ्लोर से ये होता है कि जब आप इस पेटी बनाएंगे तो वो जो है वो टूटेगी नहीं बनते वक्त भी नहीं टूटेगी और आराम से इसका कबाब बन जाएगा अच्छा हमने अभी यहाँ पे हाथ जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं और हम ऑयल से ग्रीस करने के बाद यहाँ पे इस तरह के कबाब बनाएंगे पतली कबाब बनाएंगे क्योंकि बनते ये थोड़ी सी श्रिंक होगी तो इस तरह की कबाब आपने सारी बना लेनी है तकरीबन पाँच कबाब इस तरह की बनेगी अब यहाँ हम बनाएंगे सॉस इसके लिए मैंने यहाँ पे मै लिया तकरीबन टू uh, से थ्री टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है वन या हाफ टी स्पून आप मस्टर्ड पेस्ट डाल सकते हैं यहाँ पे पीनट बटर मैंने डाला है वन टी स्पून और साथ में यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर डाल दिया था अपने मुताबिक आप डाल सकते हैं चिली फ्लेक्स डाला और इसे मिक्स करके रख दिया तो हमारा सॉस तैयार हो गया है अब हम यहाँ पर जो है चिकन पेटी है उसे हम यहाँ फ्राई करेंगे शेलो फ्राई करना है थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाला अपने पैन में और इसे फ्राई करने के लिए रख देना है आपने दरमिया से सिलो आँच पर इसे पकाना है इसी तरह हमने दोनों साइड कबाब की बना लेनी है और बर्गर बन को थोड़ा सा ऑयल में सेक लेना है इससे ये हो होगा कि बर्गर बन अच्छे से गर्म हो जाएंगे और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी न्यू रेसिपी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तो देखिए इसी तरह आपने दरमिया स्लो आंच पर दोनों साइड चिकन पेटी के बना लेने हैं और साथ ही साथ हमने बन को भी गर्म कर लिया है तो बन में हम लगा लेंगे बर्गर सॉस और साथ में हम सैलड जो है सैलेड के पत्ते वो रख देंगे और हम यहाँ पे चीज़ स्लाइस जो है वो रख कर पेटी पे थोड़ा सा ढक देंगे चूल्हा बंद करके ताकि जो चीज़ है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए साथ ही साथ यहाँ पे मैंने प्याज और जो बन है दूसरा ऊपर साइड का बन का वो गर्म कर लिया और प्याज को थोड़ा ऑयल में कैरमल कर लिया था और इस तरह हमने बर्गर बन में हर चीज़ असम्बल कर लेनी है और अच्छे से बन को कर लेना है रेडी ये देखें आपका बर्गर चिकन बर्गर पेटी जो है वो तैयार है बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स है झटपट तैयार हो जाता है कोई ज़रूरत नहीं इसको मैरिनेट करने की चिकन को ज़्यादा देर तक रखने की आपने बस झटपट बनाना है और सर्व करना है गर्मा गर्म। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ इन अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़